हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गर्भावस्था में हमें खाने की किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए। कई खाने की चीजें आमतौर पर हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। नॉर्मल लाइफ में हम बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान हमें खाने में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है और कुछ हटानी पड़ती है। ऐसे कुछ खाने की चीजें जो गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जिससे माँ और होने वाले शिशु दोनों को समस्या हो सकती है। इसीलिए ऐसी चीजें ना खाना ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए? तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों का सेवन कम कर देना चाहिए और गर्भावस्था में भोजन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। गर्भावस्था में आपको पपीता नहीं खाना है। गर्भावस्था के दौरान पपीता खाने से मना किया जाता है। कच्चा या आधा पका पपीता नहीं खाना है, क्योंकि कच्चे पपीते के बीच में लेटेक्स नामक एक पदार्थ होता है, जो कि पुराने जमाने में गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेटेक्स गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पैदा करता है। इससे समय से पहले डिलीवरी और गर्भपात का खतरा होता है। असल में अच्छी तरह से पका हुआ पपीता खाने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, पर आपको मसालेदार खाने से बचना है। भारत में बहुत मसाला खाया जाता है। अगर आपको मसालेदार खाने का शौक है तो प्रेगनेंसी में उसे बंद कर दे। मसालेदार खाना, नमक, मिर्च, मिर्ची का अचार प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। ज्यादा मसालेदार खाने से अन्न नलिका को छाले पड़ जाते हैं और गैस की भी प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में शरीर ऐसे खाने को पचाने में सक्षम नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। मसालेदार खाने से जो भी एसिड गैस माँ के शरीर में बनती है, वो गर्भनाल से बच्चे तक पहुँचती है, जिससे बच्चे को भी गैस या भोजन पचाने में दिक्कत आती है। इसीलिए आपको मसालेदार भोज नहीं खाना है। कच्चा दूध आपको नहीं पीना है। गर्भवती महिला के लिए भोजन में दूध होना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्भवती कच्चा यानी बिना उबला हुआ दूध ना पिए। इस दूध में डायरिया, टीबी आदि रोगों के वायरस जैसे साल्मोनेला, इकोलाय जैसे घातक कीटाणु हो सकते हैं। इसीलिए गर्भवती को दूध पिलाने से पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल ले। मछलियाँ आपको ज्यादा नहीं खानी है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गर्भावस्था में मछली खाना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन गर्भवती महिला को ऐसी मछलियों को खाने से बचना चाहिए जिनके शरीर में पारे यानी मर्करी का स्तर अधिक होता है, जैसे कि स्पैनिश मैकरल, मार्लिन यानी शार्क, किंग मैकरल और टिलेफिश। इन जैसी मछलियों में पारे का स्तर ज्यादा होता है, जिसे हम मिथाइल मर्करी कहते हैं। ये एक हानिकारक पदार्थ है जो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के जरिए गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में जाकर उसके दिमाग, तंत्रिका तंत्र और किडनी के विकास में बाधा पैदा करता है। ज्यादातर समुद्री प्राणियों में जिनमें मछली भी शामिल होती है, उनमें पारा पाया जाता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान इन्हें ना खाएं। महिला का भोजन ऐसी पौष्टिक मछलियों से भरपूर होना चाहिए जिनमें पारा की मात्रा कम हो। अगर आप नॉनवेज खाती है तो आपको कच्चा या आधा पका हुआ मांस नहीं खाना है। कच्चा या आधा पका हुआ मांस खाना गर्भवती के साथ ही शिशु की सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। इससे मां को टॉक्सोप्लाज्मा यानी एक प्रकार का संक्रमण, जिससे होने वाले बच्चे को अंधापन या मानसिक परेशानियां हो सकती है। इसीलिए गर्भवती महिला के लिए भोजन में कच्चा मांस नहीं होना चाहिए। अगर खाने का बहुत ही मन है तो ज्यादा पका हुआ या कुकर में पकाया हुआ मांसाहार ले। अनानास यानी पाइनएप्पल, इसका भी सेवन आपको नहीं करना है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 माह में अनानास का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर में ब्रोमेलिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे आपका गर्भपात हो सकता है। गर्भावस्था के 3 माह बाद भी अनानास बहुत कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे समय से पहले प्रसव होने का खतरा होता है। गर्भावस्था के दौरान आप चाहे तो सावधानी के तौर पर अनानास का सेवन बिल्कुल ही ना करें। आप शराब और धूम्रपान से तो दूर ही रहे। जब भी आप शराब पीती है तो उसमें उपस्थित अल्कोहल नामक पदार्थ आपके खून में घुल जाता है। गर्भावस्था में आपका शिशु गर्भनाल के जरिए आपके खून से पोषण पाता है।
इसीलिए आपके खून से ये अल्कोहल शिशु के शरीर में पहुंच सकता है। इससे शिशु की सीखने की और समझने की क्षमता घट सकती है। और वैसे ही धूम्रपान यानी सिगरेट में मौजूद निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड नामक घातक रसायन शिशु के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पैदा करते हैं। इसकी वजह से शिशु सही तरह से विकसित नहीं हो पाता है और उसे दिमाग संबंधी बीमारियां होने का खतरा भी पैदा होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान के कारण वक्त से पहले डिलीवरी की आशंका भी बढ़ जाती है। आप कभी भी कच्चा अंडा ना खाएं। बहुत लोगों को एक हाफ फ्राई खाना पसंद होता है। अगर आपकी गर्भावस्था नहीं है तो आप बिंदास खाएं। मगर गर्भवती महिलाओं को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही देना चाहिए। आधे पके अंडे के सेवन से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिससे कि टाइफाइड जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर गर्भावस्था में मां को टाइफाइड हुआ तो आजीवन होने वाले शिशु को टाइफाइड का खतरा रहता है। गर्भवती महिला को उल्टी और दस्त की भी समस्या हो सकती है। और एक चीज का सेवन आपको टालना है और वो है चाय और कॉफी। गर्भावस्था में डॉक्टर बहुत कम मात्रा में कैफीन लेने की सलाह देते हैं। चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैफीन गर्भनाल से शिशु के शरीर में पहुंचती है और ज्यादा सेवन करने से जन्म के समय शिशु का वजन कम रहता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान रोजाना 200 मिलीग्राम तक कैफीन का सेवन सुरक्षित माना जाता है, यानी दिन भर में एक कप चाय या कॉफी। आपको कच्ची अंकुरित चीजें नहीं खानी है। यूं तो अंकुरित नाश्ता सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन गर्भावस्था में कच्ची अंकुरित चीजें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्ची अंकुरित दालों में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है और माँ के साथ साथ शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुँच सकता है। आपको मीठा ज्यादा नहीं खाना है। गर्भवती को कभी कभी कुछ खास चीजें जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, इमली आदि खाने का मन करता है, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से आपको गर्भावस्था में शुगर हो सकती है, जिसे गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं। इसलिए गर्भवती महिला का भोजन ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाएं मिट्टी, कोयला आदि खाती है, इसे पीका सिंड्रोम कहते हैं। ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। इससे माँ और बच्चा दोनों के भी शरीर पर असर होता है, इसलिए मिट्टी, कोयला आदि ना खाए। आप जब भी सब्जियां या फल खाए तो उन्हें धो के खाना है। किसी भी फल और सब्जी को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना ना भूले। बिना धुली हुई सब्जी और फल में टॉक्सोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिससे शिशु के विकास में बाधा आती है। और आजकल तो तरह तरह के केमिकल्स सब्जी और फलों पे मौजूद रहते हैं। केमिकल से बच्चे की नजर कमजोर हो सकती है और उसे सांस लेने में भी समस्या हो सकती है, इसीलिए सब्जी और फलों को धोकर खाए। आजकल का जमाना फास्ट फूड का जमाना माना जाता है, जिसमें आप पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, समोसे जैसी चीजें खाती है। फास्ट फूड बस टेस्ट के लिए अच्छा लगता है और पोषक तत्वों के नाम पे बस नाम मात्र होता है। पिज्जा, बर्गर जिनमें मैदा इस्तेमाल करते हैं, ये मैदा डाइजेशन के लिए सही नहीं होता। बाहर का तला हुआ समोसा, कचौरी स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, मगर इसका शरीर के लिए कोई फायदा नहीं रहता, बल्कि ये सब चीजें शरीर में चर्बी बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि कच्चा अंडा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्ट्रियों में जो भी आइसक्रीम बनता है उसमें कच्चे अंडे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बाजार की आइसक्रीम ना खाएं। घर पर ही दूध से बनी हुई कुल्फी जिसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हो, वो कुल्फी आप खा सकती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमें प्रोत्साहन दें ताकि ऐसे ही उपयुक्त वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।